हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, यहां पर देख सकते हैं ये टाइप्स लिखा हुआ है। अब टाइप्स का मतलब ये है कि सीपीयू कौन सा है और कीबोर्ड कौन सा है, दोनों की अलग-अलग कंपनियों का नाम यहां पे मैंने लिख रखा है, देख सकते हैं। कीबोर्ड्स में बात करें तो आईबाल, लेनोवो, एचपी और क्यूएचएमपीएल, ठीक है। और सीपीयू की बात करें तो डेल, लेनोवो, i5 कोर प्रोसेसर है ये, और Asus का जो है लैपटॉप है, और यहां पे HP का i7 कोर प्रोसेसर डेस्कटॉप है या लैपटॉप है जो भी, ठीक है। यहां पर सीरियल नंबर लिखा है और यहां पे टाइप। हम यहां पे ये चाहते हैं कि हम एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करें, और जब हम कीबोर्ड सेलेक्ट करें उस ड्रॉप डाउन से तो हमें कीबोर्ड की लिस्ट डिस्प्ले हो, और अगर हम सीपीयू सेलेक्ट करें तो सिर्फ सीपीयू की ही लिस्ट डिस्प्ले हो। ये कैसे होगा, आइए समझते हैं। सबसे पहले इस रेंज को सेलेक्ट कीजिए, ये पहली वाली रेंज जो कीबोर्ड की है इसको सेलेक्ट कीजिए, चले जाइए फार्मूला बार पर और यहां डिफाइन नेम पे आ जाइए। आ गए, यहां पर क्या करना है हमें, यहां पर नाम देना है कीबोर्ड, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने कीबोर्ड, ठीक है। तो बस आपको भी ऐसे ही कीबोर्ड इसे नाम दे देना है और यहां पर ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप पाएंगे कि जब ये रेंज सेलेक्ट रहेगी तो यहां पर नेम बॉक्स में कीबोर्ड ही डिस्प्ले होगा। नेम बॉक्स देख लीजिए, ये नेम बॉक्स है, ठीक है। इसके बाद दूसरे वाले रेंज को सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के बाद यहां से डिफाइन नेम पे चले जाइए, और डिफाइन नेम पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहां पे दे देना है सीपीयू। तो जब भी आप यहां पे रहेंगे, इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे, तो यहां पर दिखाई पड़ेगा सीपीयू, ठीक है। इतना काम हो जाने के बाद अब क्या करना है वो समझिए, ठीक है। ये टाइप वाला पूरा हिस्सा ये इतना सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद सीधा चलना है डेटा टाइप पर, क्योंकि हम बनाएंगे यहां पर ड्रॉप डाउन। और ड्रॉप डाउन कैसे बनाएंगे, देखिए यहां पर डेटा टाइप पे आए और डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, यहां पर डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, एनी वैल्यू आपको नजर आएगी, यहां पर इसे बना दीजिए लिस्ट। लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है, लिस्ट बनाने के बाद इन दोनों, ये देखिए कीबोर्ड्स और सीपीयू, इन दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए और बस यहां से ओके कर दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। यहां पर जाएंगे तो यहां पर आपको कीबोर्ड दिखाई पड़ रहा है और यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा सीपीयू, दोनों ही चीजें एक ही में दिखाई पड़ेंगी, जिसकी जरूरत हो आप ले सकते हैं, ठीक है। इतना कर लीजिए, अब आपका काम और भी ज्यादा आसान हो गया है, थोड़ा सा काम और रह गया है, आइए समझते हैं क्या बाकी है। इस रेंज को सेलेक्ट कर लेने के बाद यहां पर वापस से हमें बनाना है ड्रॉप डाउन, और ड्रॉप डाउन कैसे बनेगा आइए एक बार देख लेते हैं कि ये ड्रॉप डाउन बनेगा कैसे, ठीक है। तो यहां पर ये डेटा वैलिडेशन पहले ले लीजिए, ये आ गया, यहां पर कर लीजिए आप लिस्ट, ठीक है। लिस्ट करने के बाद यहां पर एक फार्मूला यूज करना है आपको, वो है इनडायरेक्ट का, ठीक है। तो यहां पे लगा लीजिए इनडायरेक्ट, और ये लगाने के बाद ब्रैकेट को कर लीजिए ओपन, और जैसे ही आप ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो अब आपको क्या करना है, आपको याद होगा कि हमने इसी का तो ड्रॉप डाउन यहां बनाया था, तो आप केवल कीबोर्ड को सेलेक्ट कर दीजिए, हो गया। देखेंगे कि यहां पर डॉलर सिंबल भी आया हुआ है साथ-साथ, देखिए यहां पर 2 जो है रो है और f जो है कॉलम है, लेकिन इसके साथ-साथ डॉलर सिंबल भी है इसके पहले, तो डॉलर हटा दीजिए। डॉलर हटाने के बाद इस ब्रैकेट को करिए क्लोज और यहां पर ओके करिए, जैसे ही ओके करेंगे तो यहां पर वो ड्रॉप डाउन आपको दिखाई पड़ेगी, ये देखिए ये ड्रॉप डाउन दिखाई पड़ रही है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि यहां पर आप कीबोर्ड रखते हैं, ठीक है, ये कीबोर्ड हो गया, तो अब यहां पर लिस्ट देखिए, तो लिस्ट देखेंगे तो आपको कीबोर्ड वाली लिस्ट नजर आएगी केवल, देखिए कीबोर्ड वाला ही आ रहा है कि नहीं, देखिए कीबोर्ड का ये है आईबाल है, लेनोवो है, एचपी है और क्यूएचएमपीएल है, तो वही लिस्ट नजर आ रही है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहां पर कीबोर्ड से हटा दिया मैंने, ठीक है, यहां पे सीपीयू कर दिया, तो देखिए यहां पर देखते हैं क्या होता है, यहां पे देखिए सीपीयू वाली पूरी लिस्ट नजर आ रही है, डेल, लेनोवो, i5, Asus, एचपी, i7 ये करके आ रहा है, ठीक है। यहां पर क्या होगा, यहां पर भी एक बार चेक कर लिया जाए, ये देखिए ये कीबोर्ड कर दिया मैंने, तो यहां पर भी सेम वही चीजें नजर आएंगी, इतनी रेंज में वही चीजें नजर आएंगी आपको। तो ये कैसी लगी ट्रिक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसे शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।